आज हम लोग जो करेंगे डेट इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू सी, डेट इज विच वी विल बी डूइंग। हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जनरल इक्वेशन, हम लोग बात करेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल की। सो विल बी टॉकिंग अबाउट टेंजेंट टू ए सर्कल। वैसे इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, तो आपने इसको इस तरह से लेना है। अच्छा, एक और चीज इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, क्या होता है, ये तो हमारे पास आ गया दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। अब क्या होता है, कई बार हमसे ना बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए कर्व। अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए कर्व क्या है, कर्व मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक इट इंक्लूड्स सर्कल, इट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन जो आगे हम पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, सॉरी एक्स तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, दिस इज टू के एक्स वाई टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब कई बार ना क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जाता है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेकिंग दिस जनरल इक्वेशन एज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और व्हाट शुड बी द कंडीशन दैट द अबव इक्वेशन बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये बोला जाता है कई बार हम लोगों को। तो उस केस में आपने लेना है अवर कंडीशंस फॉर सर्कल। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग इसको क्या लेके चलते हैं, हम लोग इसको ए इज इक्वल्स टू बी एंड के इज इक्वल्स टू जीरो लेके चलते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सर्कल होगा तो ए इज इक्वल्स टू बी, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट सेम होगा और एक्स वाई का कोफिशियंट हमेशा जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से डायरेक्टली पूछा जाता है। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग, बट ओनली थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि यार मुझे ये चीज किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, हम लोग ना सर्कल की इक्वेशन को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूं यहाँ पे, तो फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज s is equals to zero. ये आपको याद रखनी है बात। For this we are having s is equals to zero. तो इस चीज के लिए हम लोग हमेशा इसको, now further अगर हम बात करेंगे at x1 y1, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि this is equation of
एट एक्स वन वाई वन हम इसको एस वन से डिनोट करते हैं और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। सो एस वन से डिनोट करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये सब आगे यूज होगा इसलिए आपको बता रहा हूं। एंड देन अगर हम टेंजेंट की बात करें, तो ये हमारे पास क्या रहता है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये है हमारे पास x1 स्क्वायर, x को हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्स वन, यानी एक पॉइंट को हम लोग x1 से डिनोट कर देंगे। y इंटू वाई वन, y स्क्वायर को हम y इंटू वाई लिखते हैं तो हम इसको y इंटू वाई वन लिख रहे हैं। प्लस तीसरी बात जो हमारे पास क्या है, ये जो 2gx है ना, इसको हम लिखेंगे g, 2x को लिखेंगे x प्लस एक्स वन, f 2y को लिखेंगे y प्लस वाई वन प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। तो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछा जाए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, यानी t इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस पूरी चीज को हम लोग t से डिनोट करते हैं कि यार दिस इज कंसिडर्ड एज t इज इक्वल्स टू जीरो, और इस टेंजेंट की इक्वेशन को हम लोग पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सो दिस थिंग इज नोन एज पॉइंट फॉर्म। तो यहां पे हमने बेसिकली किया क्या, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, जहां 2x था इसको हमने लिख दिया x प्लस एक्स वन, और जहां 2y था वहां पे लिख दिया हमने y प्लस वाई वन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नाउ। अब हमारे पास बेसिकली क्या है, एक चीज पूछी जाती है दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हमसे पूछा जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, मतलब हम कैसे इसको टेंजेंट मान लें, किसी भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है अगर हमारे पास एक लाइन और एक सर्कल गिवन है तो हम उसको कैसे ले लें। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आप वन ले लीजिए, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये ले लीजिए। अब जब हमारे पास यहां पे हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इन फर्स्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर एम एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और ये बन जाएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस
2mcx plus c square minus a square equals to 0. यहां पे अगर हम देखें तो x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2mc स्क्वायर माइनस 4ac m स्क्वायर प्लस 1 इनटू क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू ए। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू बन गई। अब डिपेंड क्या करता है, हमारे पास चलिए वैसे हम इसकी एक सेकेंड, हमें इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लेनी नहीं है, हम ना सिंपल सी बात करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। ओके, बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये लाइन टच करेगी सर्कल को अगर अगर हमारा ये पॉइंट जो है, ये जो एक्स है ये रियल होगा। खैर हमें एक्स रियल के लिए इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे हेयर लाइन टच इज द सर्कल इफ एक्स इज रियल। बट अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, बट लाइन टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, मतलब वो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से हमारी बात और छोटी हो गई, हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं टू एम सी स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। दिस थिंग कैन बी रिटन एज फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो दिस बिकम्स 4m square c square minus 4m square c square plus 4c square minus 4m square a square minus 4a square equals to 0। अब यहां पे ये जो माइनस वाले साइन है वे प्लस हो जाएंगे और जो प्लस वाले साइन है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस इज प्लस, आपके पास ये कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। और यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर इफ वी सी द रिक्वायर्ड कंडीशन इज, हमारे पास ये मैं सबसे टॉप पे लिख रहा हूं, सी इज इक्वल्स टू
plus minus a into 1 plus m square whole under root. So this is the condition of tangency. ये हमारे पास condition है tangency. This gives us the condition for tangency. तो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है. तो we have seen कि like what is the condition of tangency. This is the condition of tangency कि अगर हमारे पास circle का equation है x square plus y square equals to a square और equation of any line is y is equals to mx plus c, then this line will be tangent to the circle if c is equals to plus minus under root of a into 1 plus m square. So this thing you have to always keep it in mind. So शाबाश, एक बार इसको go through कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ. या तो हम इसको अंडर रूट के अंदर ए स्केयर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ना इसको डायरेक्टली सी को ये भी लिख सकते हैं. इसको ऐसे याद रखिए क्योंकि बुक्स में इसी तरह से गिवन होगा, सी इज इक्वल्स टू ए दिस वुड बी गिवन टू यू एज सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर. तो बुक्स में जनरली इसी तरह से होगा, तो आप इसको इस तरह से ही ये देख के चले. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंस. देखिए जी, इस सारी डिस्कशन में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगर हम लोग नंबर वन, इफ एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और एक लाइन है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, देन दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल इफ सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a into under root of 1 plus m square. तो ये हमने condition of tangency देख ली यहाँ पे. फिर हम लोगों ने देखा कि अब अगर हमें देखें तो point form में हमारे पास at x1 y1 equation of tangent to circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is, ये हमने सीखा, हमने x को x x1 ले लेना है, y को y y1 ले लेना है, y square को 2gx को हम लोग लेंगे g into x plus x1, 2fy को लेंगे f into y plus y1 plus c equals to 0. So this is number one. इसी तरह से number two है at point x1 y1 equation of tangent to circle x square plus y square equals to r square या a square is only, आप क्या करेंगे, x into x1 plus y into y1 is equals to or minus r square equals to 0 या is equals to r square ही लेके चलेंगे. तो इस केस में जो आपके पास equation of tangent आ जाएगा, equation of tangent आपके पास है x x1 plus y y1 is equals to r square.
लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि अगर हम लोग बात करें एट पॉइंट एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम बात करें, एट एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज, ये आ जाएगा एक्स इंटू, सॉरी ये एक्चुअल में ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये एक्स, तो आपके पास बन जाएगा एक्स इंटू जस्ट तो आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू आर कॉस थीटा एंड वाई की जगह आएगा आर साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा सर्कल इज इक्वल्स टू एक्स इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंड इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, दिस इज स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली क्या बात कर सकते हैं, कंडीशन हमें पता चल गई, ठीक है, ये हमारे पास था पॉइंट फॉर्म, ये जो हमने तीन ऊपर पढ़े दिस इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म, लेकिन ये हमारे पास क्या है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया कि वो कंडीशन क्या बनेगी टेंजेंट सी के लिए, तो हमारे पास कहता है कि फॉर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट देन हम क्या कहेंगे, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम सिर्फ इसमें सी की वैल्यू यूज कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एंड व्हाट इज सी, सी इज प्लस माइनस ए इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इसी से मिलता जुलता एक और चीज है, इसी को यूज करेंगे हम लोग और एक और चीज देखेंगे हम लोग, बात करते हैं, मैं आपको पहले एक चीज समझाता हूं फिर हम बात करते हैं। लेट्स से वी आर हैविंग अ सर्कल राइट, एंड आई एम हैविंग अनदर सर्कल एक से। चलिए ये जो है हमारे पास, दिस इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल, अभी समझाता हूं डायरेक्टर सर्कल क्या है। एंड दिस इज मेन सर्कल,
सर्कल को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टर सर्कल होता है अगर हम लोग एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो टेंजेंट्स जो हैं वो लेट्स से दे आर making a perpendicular, they are making a perpendicular, let's say they are perpendicular to each other, that's it. So ye do tangents ban gaye and these two tangents are perpendicular to each other. राइट अब हम लोगों को बोला जाता है कि आपको एक लोकस बनाना है. दिस इज लोकस. लोकस हम लोगों ने समझा था, इट इज द कंडीशन पाथ बेस्ड अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन. हमें लोकस क्या दिया गया, हमें बोला गया है कि ओके लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ड्रॉन बाय द टेंजेंट टू द सर्कल. तो ऑफकोर्स ये जो लोकस बनेगा, ये अगर हम इसको मूव करें, ये वाले पॉइंट को मूव करें या ये दो टेंजेंट्स को मूव करें, तो ये टेंजेंट्स जब भी मूव करेंगे ये इट विल बी मूव इन द शेप ऑफ अ सर्कल. यानी अगर ये पाथ जो ट्रेस करेंगे, ये पाथ जो ट्रेस होगा ये सर्कल होगा. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज लोकस ऑफ tangents perpendicular locus of tangents of a circle locus of tangents nahi aayega, this will be locus of a point of the vertex of tangents of a circle perpendicular to each other is always a circle. इस समय ये जो always a circle जो बात कर रहे हैं, green circle की बात कर रहे हैं, whose radius is ये जो बाहर वाला ग्रीन सर्कल है इसका रेडियस इज रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ मेन सर्कल. इट इज रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द मेन सर्कल. अब मेन सर्कल है अंदर वाला, आपसे क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको ये चीज याद रखनी कि इट इज रूट टू टाइम्स the radius of the main circle. So kindly note this down, and this is also known as director circle. Ho sakta hai wo aapse simple baat kare ki what is the director circle of the yeah, what is the radius of the director circle. And one more important thing, these two circles are concentric, they have the common center. Kindly note this down, fir aage baat karta hu main aapse. No टेंजेंट्स के बारे में बात होगी. कभी कभी हमसे क्वेश्चन कॉर्ड्स के ऊपर भी पूछा जाता है, तो इसमें हम मेजर दो ही
पॉइंट पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स और हम इसको ऐसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सीओसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स वन वाई वन। अब आप सोचेंगे ये क्या भला है, ये क्या हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, हम क्यों क्या पूछ रहे हैं, इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट दैट यू नो दैट। राइट, एंड हम किस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं। यस, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कहने का यह है ये पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है, ये पॉइंट आप ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी ले लीजिए। एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्ड ए बी की, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्ड ए बी। आपको मतलब ये जो टेंजेंट जो कॉन्टैक्ट बना रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के जो कॉर्ड बन रही है हम उस कॉर्ड की बात कर रहे हैं और हम उसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पीछे बात किया था टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी इक्वेशन विल बी एट पी एक्स वाई वन इज t is equals to zero. और फिर इसके पास हम लोगों को पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट अब ये मिड पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, हमें पी एक्स वाई वन वही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड गिवन है लाइक दिस, और इसका मिड पॉइंट ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये आ गया, तो इसका इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल्स टू एस वन। ठीक है, अब आपको पता है t क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, s1 क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमारे पास इस केस में जो इक्वेशन बनेगा वो t इज इक्वल्स टू एस वन बनेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर हम लोग बात करें
length of intercepts की, चलिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी हम एक बार समझ लेते हैं कि है क्या बात, ये क्या चीज है। सपोज ये एक सर्कल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस। एंड यस, सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, या हम इसको ऐसे भी नहीं लेते, थोड़ा सा और बेटर करके दिखा देते हैं। चलिए जी, सपोज ये एक सर्कल है। अब यहां पे जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है वो यहां से लेके यहां तक है, मतलब जहां पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज लेट्स से वो यहां से लेके यहां तक है। अब हमारे पास कई बार ये पूछता है लेंथ ऑफ दिस इंटरसेप्ट क्या है, तो आपने हमेशा याद रखना है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, बस आपको ये यूज करना है। एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। वी आर हैविंग द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने पढ़े, जो सब चीजें हम लोगों ने देखा। तो आपने इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जैसे हम लोगों के पास एक बात चल रही थी ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर सर्कल की बात क्या होती है। डायरेक्टर सर्कल होता है जो हमारे पास एक सर्कल के बाहर बनता है, जो उसके दो क्या बना रहे हैं, टेंजेंट्स जो परपेंडिकुलर हैं इच अदर टू इच अदर, वो लोग बना रहे हैं। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, इफ इक्वेशन ऑफ मेन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्टर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज रूट टू ए होल स्क्वायर, बिकॉज उस केस में रेडियस जो है वो रूट टू ए होल स्क्वायर, यस, और विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन को अभी, आपके पास कभी ये पूछा जाए तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने ए स्क्वायर लिखा है, इस ए स्क्वायर की जगह कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये फोर हो जाए, हो सकता है ये नाइन हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को उस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आपने ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, ये आज अपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से बना लेना है। और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन कैसे करने हैं, जब भी आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करते हैं, सो यू ऑलवेज की ये जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, ये जो खासकर कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ते हैं, इसको सामने रखिए एंड सी कि आप कौन सा कंसेप्ट इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। तो इस नोटबुक को सामने रखें एंड ऑफ कोर्स उसको करें। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, एक दो बार जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए जब सॉल्व करते हैं, तो मेंशन द कंसेप्ट अलोंग विद इट, कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप रिवाइज करें तो आपको समझ आए, अच्छा यार ये क्वेश्चन हमने किया था और ये क्वेश्चन का रिविजन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन इस तरीके से किया था। सो डेट विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी इजियर फॉर यू। जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, काइंडली पुट ए कंसेप्ट ऑन इट। तो आप ये करना जरूर है, इसको आगे लेके जरूर चलना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट नोट इट डाउन, देन आई टॉक टू यू फर्दर, ठीक है जी। आज हम लोग इतने रखते हैं, आप इसको गो थ्रू करिए प्रॉपरली, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, एंड जो आपसे होंगे बहुत अच्छी बात है, जो आपसे नहीं होंगे तो वो मैं करवाऊंगा डेफिनेटली, एंड बाय टुमारो वी विल फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड वी विल स्विच ओवर टू अनदर चैप्टर, दैट इज कॉनिक सेक्शन, व्हिच इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से एक बार देख लेना है एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे आपसे इससे आगे, तब तक के लिए काइंडली कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड, सी यू, जय हिंद।